हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राइंडिंग सेफ्टी के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि ग्राइंडिंग एक्टिविटी के वक्त कौन से ऐसे कॉमन हजार्स होते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि ग्राइंडिंग इंसिडेंट के पीछे क्या कॉमन कॉजेस होते हैं, और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि ग्राइंडिंग सेफ्टी के क्या प्रिकॉशंस है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्राइंडिंग एक्टिविटी के वक्त कौन से कॉमन हजार्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला हजार्ड है फ्लाइंग पार्टिकल्स, क्योंकि जब आप ग्राइंडिंग करते हो तो वहां पर हाई स्पीड होती है, तो उसकी वजह से फ्लाइंग पार्टिकल्स जो है वो हजार्ड क्रिएट होता है। तो उसमें है कि ग्राइंडिंग के वक्त ग्राइंडिंग जो व्हील होता है उसमें से ही कोई जो पार्टिकल्स है वो फ्लाई हो सकता है, या फिर जिस किसी ऑब्जेक्ट पर आप ग्राइंडिंग कर रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट से भी हाई स्पीड में फ्लाइंग पार्टिकल्स निकलते हैं। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है डस्ट और फ्यूम जनरेट होना। फिर उसके बाद का हजार्ड है फायर। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है वो है एक्सप्लोजन। फिर उसके बाद का हजार्ड है इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि जो भी अगर डिफेक्टिव अगर पावर कॉर्ड का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है नॉइज, यानी कि ग्राइंडिंग के वक्त बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होता है वो उसमें हजार्ड है। फिर उसके बाद का हजार्ड आता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर आप कंटिन्यू ग्राइंडिंग का अगर काम कर रहे हो तो उसकी वजह से ये हजार्ड क्रिएट होता है, या फिर अगर ऑकवर्ड बॉडी पोजिशन है तो उसकी वजह से भी ये हजार्ड क्रिएट होता है। चलिए अब जानते हैं कि ग्राइंडिंग इंसिडेंट के क्या कॉमन कॉजेस है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ग्राइंडिंग के लिए गलत व्हील का इस्तेमाल करना। फिर उसके बाद है इम्प्रॉपर माउंटिंग ग्राइंडिंग व्हील की हो या फिर गार्ड की। फिर उसके बाद है पीपीई का सही तरीके से इस्तेमाल न करना। फिर उसके बाद है केयरलेस हैंडलिंग, यानी कि ग्राइंडिंग मशीन को अच्छे से हैंडल न करना। और फिर उसके बाद है ग्राइंडर का सही तरीके से इस्तेमाल न करना। तो ये जो सारे कॉजेस है इसकी वजह से ग्राइंडिंग इंसिडेंट होते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो ट्रेन पर्सन है उसी ने ही ग्राइंडर का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो ग्राइंडर मैन है, जो ग्राइंडिंग का काम कर रहा है, तो उसने काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन देना है और उसने हमेशा अलर्ट रहना है। फिर उसके बाद है कि ग्राइंडर मैन ने जब भी वो ग्राइंडिंग का काम करता है तो उस समय सेफ्टी ग्लासेस और फेस शील्ड का हमेशा इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडर मैन ने क्लोज फिटिंग वाले सेफ्टी ग्लोव्स का ही इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडर मैन ने कवरऑल का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी ग्राइंडर मैन ग्राइंडिंग का काम कर रहा है तो उसने ग्राइंडर को अच्छे से हैंडल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडर मैन ने जब वो ग्राइंडिंग का काम कर रहा है तो उस ग्राइंडर को उसका जो हैंडल है उससे ही उसको पकड़ना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी डैमेज व्हील है या फिर डिस्क है उसने उसको इमिडिएटली चेंज करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडिंग मशीन्स का जो गार्ड है उसको कभी भी रिमूव नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडर अगर डैमेज है तो इमीडिएटली उसको रिप्लेस करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ग्राइंडिंग मशीन्स में अगर कोई एडजस्टमेंट करना हो या फिर कोई एसेसरीज को चेंज करना हो तो सबसे पहले उसकी जो प्लग है उसको डिस्कनेक्ट करना है पावर सोर्स से। फिर उसके बाद है कि आपको एयर प्लग का भी इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है कि वहां पर अगर डस्ट या फिर फ्यूम्स अगर क्रिएट हो रही हो तो उसके लिए उसने मास्क का इस्तेमाल करना है। तो ये जो सारे प्रिकॉशंस है ये आपको लेने हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा ग्राइंडिंग सेफ्टी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।